मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल बटन दबाइए मेरे वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। इस बार की जनकपुरी आवास विकास कॉलोनी में सजनी है। कमेटी गठित हो गई है। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी कैलाश मंडल के पदाधिकारी मौजूद हैं। आज बैठक की गई है, क्यों बैठक रखी है इन्होंने, खुद इनके विचार में जानना चाहूंगा। नाम जानना चाहूंगा आपका। मैं अनिरुद्ध भदौरिया, भाजपा दृष्टि से मैं कैलाश मंडल का अध्यक्ष हूँ। अनिरुद्ध जी, आज बैठक है, किस तरह की यहाँ मंत्रणा हो रही है, किस तरह के विचार? एक्चुअल में आज जो जनकपुरी आयोजन समिति जो आज गठित की है, जैसे किसी के माध्यम से पता चला, उसमें आवास विकास के लोगों को उपेक्षा की गई है। उनकी उपेक्षा के ऐसा नहीं होना चाहिए था, उपेक्षा नहीं की जानी थी, क्योंकि आवास विकास के यहाँ पे काफ़ी लोग जो गणमान्य व्यक्ति रहते हैं, ऐसे लोगों को अवॉइड किया गया। ऐसा अवॉइड नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि चूँकि आवास विकास के अंदर जनकपुरी का आयोजन किया जा रहा, तो यहाँ के लोगों को समायोजित करना चाहिए था उस कमेटी के अंदर, ऐसा अपना मानना। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं प्रभाव सत्ताधारी पार्टी का रहता है जी। मैं मानूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ कैलाश मंडल का ही कहीं ना कहीं जो एक अनदेखी की गई है, ये मानूँ? बिल्कुल देखी अनदेखी गई है, क्योंकि जो अपने भारतीय जनता पार्टी रचना के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो है मंडल अध्यक्ष होता, तो मेरी अपेक्षा की जा रही, तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा है। एक दूसरा, आरएसएस के किसी भी पदाधिकारी को कोई जानकारी नहीं, उनको भी समायोजित कहीं भी ना उनकी राय ली गई, जो विकास कार्य होने हैं उसमें बिल्कुल उपेक्षा की गई है संघ की और भारतीय जनता पार्टी की दोनों, क्योंकि यहाँ पे काफी लोग पदाधिकारी रहते हैं, जैसे संघ चालक जी अभी बैठक में उपस्थित हैं, सह संघ चालक जी उपस्थित हैं, तो कम से कम एक बार, क्योंकि देखिए संघ कभी राजनीति नहीं करता, लेकिन यहाँ पर जो है संघ के बहुत सारे लोग हैं, ऐसे लोगों को उपेक्षा नहीं की नहीं जाती। भदौरिया जी, एक चीज और, जो सुबह बैठक हुई या समिति गठित की गई, उसमें भी तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग थे जो निष्क्रिय पड़े हुए हैं, वो लोग जैसे उनको बलिता दी जा रही है, बिल्कुल नाराजगी भी? हाँ बिल्कुल, नहीं देखिए कमेटी गठित की है, ऐसी कोई नाराजगी नहीं। मेरी नाराजगी सिर्फ जो विकास कार्य को लेकर है, जो उन्होंने मुझे पता चला कि उन्होंने अपने हिसाब से जो प्रस्ताव बना के जो है प्रशासन को दे दिए, उसके लिए मैंने ज्ञापन भी दिया, नगराज जी को भी दो दिन पहले ज्ञापन भी दिया था कि विकास कार्य अपने, क्योंकि आवास विकास में कॉलोनी में आई है तो जनता को अपेक्षा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोगों से अपेक्षा है कि यहाँ का विकास कार्य होना चाहिए, और ये भी नहीं है कि बाहर पैसा चला जाए। एक चीज और मैं समझा हूँ कि पहले से आप पदाधिकारियों से, भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे, पहले से बात नहीं रखी होगी शायद आपने, या पहले से आप मिले नहीं होंगे? नहीं नहीं, मुझे एक्चुअल में आयोजन जो इनकी जनकप्रिय आयोजन समिति जो बनी थी, शायद अखबार में दिया था, उसमें ज्यादातर एक समाज को ज्यादा प्राथमिकता दी गई, जैसे आपने देखा होगा जो प्रकाशित हुई थी अखबारों के माध्यम से पता चला था कि उसमें जो है ज्यादातर एक समाज को समायोजित किया गया। हमने बात की कि भाई एक ही समाज नहीं है, इसमें सब समाज है, आवास विकास के अंदर सारा समाज, सही समाज के लोग रहते हैं, तो ऐसे लोगों की उपेक्षा क्यों की जा रही है? समाज को पूछना चाहिए ना, समाज को समायोजित करना चाहिए उसके अंदर, ऐसा नहीं किया गया। क्या एक चीज और है कि कोई और पार्टी के लोग भी इसमें शायद और भी कई पार्टियों के लोग जो है इन्वॉल्व है, जुड़े रहे हैं, जुड़े हैं, बिल्कुल बिल्कुल जुड़े रहे हैं, और वो लोगों को भी उन्होंने लिया है, तो ये साफ नाराज है। और भी लोग हैं मेरे साथ में, मैं उनसे भी जान लूं जी। मैं नाम जानना चाहूंगा आपका। मैं श्रीकांत शर्मा, कैलाश मंडल। कैलाश नहीं बैठा है? अरे यार बैठे, कैलाश मंडल का उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष किस तरह का आज जो बैठक है, क्या नाराज है? नाराजगी ये है साहब कि हमारे आवास विकास कॉलोनी में जनकपुरी सज रही है, अभी तक जो देखते आए वहाँ बल्केश्वर में, कमला नगर में, या गांधी नगर में जहाँ भी सजती है, तो वहाँ के स्थानीय नागरिकों को समिति में लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा आरएसएस का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, हम लोगों से उपेक्षाएं थी कि जनकपुरी में हम लोगों ने वादे किए थे सारे काम होंगे, सड़कें बनेंगी, नालियां बनेंगी, लेकिन उसमें एक ही समाज के, एक ही परिवार के पांच पांच छह छह पदाधिकारी बना दिए, और आवास विकास से या संघ से कोई भी व्यक्ति नहीं है। वो आवास विकास से या संघ से बनाए गए हैं, ठीक है, लेकिन वो है तो आवास विकास से बाहर की ज्यादातर। घर में विरोध कैसा? घर में विरोध इसलिए है कि आवास विकास बना रही है, हम लोगों ने उपेक्षा की थी कम से कम सेक्टर है यहाँ, हर सेक्टर से एक आदमी को समिति में लेकर के, और हर सेक्टर की दशा को सुना जाएगा, हर सेक्टर से जो विकास कार्य होंगे उस व्यक्ति को लिए जाएंगे,
कहने का मतलब है कि जहाँ सज रही है उन लोगों को नहीं पूछा जा रहा है, लोगों को पूछा जा रहा है अलग अलग लोगों। बिल्कुल बिल्कुल यथार्थ सत्य है आपकी बात कि यहाँ के लोगों की उपेक्षा हो रही है, आवास विकास की उपेक्षा हो रही है और बाहर के लोगों को महत्व दिया जा रहा है। एक और पदाधिकारी है मेरे साथ में ललित चतुर्वेदी जी, मैं उनसे भी जान लूँ, पूर्व में महानगर अध्यक्ष भी आप, उपाध्यक्ष भी आप रहे हैं, सब बैठक है आज अपने लोगों में, कहीं ना कहीं आज जो विरोध दशा बनी हुई है बैठक में आज मैं सुन रहा हूँ, तो किस तरह का विरोध राम के काम का विरोध तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, जिसे जो व्यवस्था है उनका विरोध है। व्यवस्थाओं में जैसे आवास विकास के नाम पर जनकपुरी आई है और आवास विकास के लोगों को उसमें सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, जो विरोध करते रहे उनको चार लोगों को सम्मिलित कर लिया जाता है, जो विरोध नहीं कर रहे हैं, जो क्षेत्रों में बड़ी समस्याएं हैं जल की, सीवर की, सड़क की, नाली की, सब तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं की तरफ ध्यान न देकर जनकपुरी जो कथित समिति बनी है उस समिति ने क्या नाम है मेन मेन मुख्य मुख्य मार्गों के एस्टीमेट बनाने को डीएम साहब को दे दिए, जो कि कभी आवास विकास की जनता गवारा नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि शासन प्रशासन से वो खुद बंदर बात कर देंगे, ऐसा लग रहा है? ऐसा लगता है कि जो जिम्मेदारी दी गई है वो क्षेत्र के निवासी नहीं है, उन्हें क्षेत्र की समस्याओं का आकलन नहीं है। विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होगी, खाना पूर्ति का ही अंदेशा जताया जा रहा है कि विकास के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो सकती है और इसके अलावा कुछ नहीं है। निश्चित तौर पर जनता के साथ खड़े हुए हैं, जनता की जो समस्याएं हैं उनके लड़ते रहे हैं और उनके काम कराने का प्रयास पहले भी किया है, और भाजपा की सरकार तो निश्चित तौर पर उसमें काम भाजपा के होंगे ही होंगे, भाजपा की सरकार में जनता के कार्य निश्चित तौर पर होंगे ही होंगे। नाम जानना चाहूँगा, हमारी सारी महिलाएं जो बहुत त्रस्त है, पिछले बार भी जब जनकपुरी के लिए पैसा आया था सड़क, हमारी सड़कें नहीं बनी गई, ना नालियों की कोई व्यवस्था है ना सड़क की कोई व्यवस्था, इस तरह से हम बहुत परेशान हैं। हमारी महिलाएं जो सारी आई हुई हैं ये बहुत त्रस्त है, मेरे को बार बार इस बात का दुख होता है कि हमारे लिए पैसा आया लेकिन हमारी सड़कों पर पैसा नहीं लग रहा है। ऐसे ही हुआ जी, आवास पहले भी सजी थी 2009 में सर, उस वक्त भी हमारी सिर्फ हमें झांसा ही दिया गया था कि सड़कें बनेंगी लेकिन सड़कें नहीं बनी वहाँ पे, ना नालियों की कोई व्यवस्था, कोई सड़क की व्यवस्था, ना पार्किंग कोई है, इस तरह से पैसा कहाँ जाता कोई पता नहीं। कमर तो अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ के लोगों को वरीयता नहीं दी गई है, तो फिर वही खाना पूर्ति होगी। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, इसी तरह से खाना पूर्ति हो जाएगी, हमारी सड़कें फिर भी रह ही जाएंगी क्योंकि अब किस कब तक हम सहेंगे बताओ, कम से कम 14 साल हो गए हमारी सड़कें आज तक नहीं बनी है। मनोज बघेल मेरे साथ में कहीं ना कहीं कैलाश मंडल के पदाधिकारी है, क्या कहना चाहेंगे आप बैठक के आज पर, बैठक में किस तरह कमर पानी भर जाता है, बैठक में जो आगामी जनकपुरी इस बार जनकपुरी का आयोजन किया जा रहा है, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। और जनकपुरी के अंतर्गत जो क्षेत्र में जनकपुरी सस्ती है वहाँ विकास कार्य किए जा रहे हैं। आज हम सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, आज जनता हमसे जवाब चाहती है, कल को ये जनकपुरी कमेटी बना दी गई है, जनता जनकपुरी कमेटी से जवाब नहीं मांगेगी, विकास नहीं हुआ यहाँ समुचित तो जनता हमसे जवाब मांगेगी। कहीं ना कहीं आपको अपेक्षित किया गया है जवाब भी आपको देने अगर कार्य नहीं हुआ। जी जी बिल्कुल, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान राज्यकारी हैं उनको अपेक्षित किया जा रहा है, राज्यकारी हैं और नहीं या नहीं है, जो सक्रिय नहीं है उनको कहीं ना कहीं भूमिका दी जा रही है, इस बात की कहीं ना कहीं नाराजगी है सब लोगों में। बिल्कुल बिल्कुल, जो निष्क्रिय लोग हैं उनको जिम्मेदारी दी जा रही है, इसी बात की नाराजगी। शासन प्रशासन से हम यही मांग करते हैं कि समुचित जिन गलियों में कभी सड़कें नहीं पड़ी, एक चीज और पैसे और मांगे गए समी चालक जी से, पैसे और यहाँ कुछ ऐसा भी हो रहा है कि पदाधिकारी के नाम पर किसी से 51,000 रुपए आपको ढेर लाकर डाल देता है सामने, कमेटी के लोग पहले से ही कमेटी के लोग पैसे मांगना स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, पहले से ही ऐसा हुआ है कि पहले से कमेटी के नाम पर अध्यक्ष क्या होने, अरे संचालक जी से पैसे मांगे गए, संचालक जी से पैसे मांगे गए पद के लिए, जो आरएसएस के व्यक्ति से पैसा मांगे गए, जो आप 51,000 लोगे, 51,000 मांगे गए, कांसल देंगे, बुलाइए उनको, मोटा चंदा दे रहा है उसके घर के सामने का एस्टीमेट बन रहा है, यही है, यही है बस।
मांगा जा रहा है, साफ साफ कहा जा रहा है 1 लाख रुपए दे दो, तुम्हारे घर के सामने पुलिया और सड़क बन जाएगी। आयोजन और विकास के नाम पे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, जनता का कोई काम नहीं हो रहा। जहाँ सड़क बननी चाहिए, जहाँ पानी भर रहा है वहाँ पे कोई निस्तारण नहीं है। जहाँ पहले से सड़क बनी हुई है उससे 1 लाख रुपए और सड़क बन गई है। आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हम कह रहे हैं हर बार पैसा, हमें कहते हैं कि सड़क बन जाएगी, आपकी सीवर बन जाएगी, हर बार कहते नालियां पर नहीं बनती हमारी, हर बार हमें दिलासा दिया जाता है। वहाँ पे देखिए आप, चक्रों में कमर कमर पानी हो जाता है, इतनी गंदगी का पार नहीं है, मच्छर इतने कि बच्चे बीमार पड़े हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई सुनवाई नहीं है, डेंगू हो जाता है, क्या कहने, झांसा मिल जाता है, एमएलए साहब आते हैं, सबकी सबकी अपनी 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 परेशानियां हैं। घनश्याम जी हैं, आरएसएस के व्यक्ति हैं, तो मैं उनसे भी जान लूंगा। कब से लगभग आरएसएस? 25 साल से आप आरएसएस से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं निरंतर आप एक सक्रियता बनाए हुए हैं। आज किस तरह की शिकायतें पर तुम्हें दी जाना? ऐसा है जी, हमने जो कमेटी है इस समय उससे हमने ये कहा था कि भाई ऐसा है, विकास के नाम पे हम लोगों को आरएसएस वालों को उनको शामिल करिए आप जी। तो संघ चालक जी जो इस नगर के संघ चालक हैं, उनके बैठक हुई, आए लोग सब, और उनसे कहा संघ चालक जी से कि आरएसएस वाले प्रत्येक व्यक्ति 51,000 रुपये दे, तब तो कमेटी में शामिल हो सकता है, वरना नहीं होगा। ये अच्छा, तो संघ वालों में 51,000 रुपये। एक चीज मैं जानना चाहूंगा, शासन से अलग पैसा आता है जनकपुरी के लिए, विकास के लिए आता है पैसा? जनकपुरी के विकास के लिए शासन से पैसा आता है ना, शासन से पैसा आता है? आपसे किस बात के पैसे मांगे जा रहे हैं? खर्चे के लिए, जनकपुरी के खर्चे के लिए सजाएगी जो उसके खाल। अच्छा, आप आरएसएस से, तो आप कहाँ से लाएंगे पैसे? अगर तो हमने तो मना कर दिया ना, हमारे पास आरएसएस, आप इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं, आपको जोड़ा गया कहीं ना कहीं, इस पर इस बात का कहीं ना कहीं दर्द है आपको? ऐसा है ना, संघ वाले जो इस एरिया के संघ वाले हैं उनको सबको बाहर रखा गया, किसी को नहीं जोड़ा गया, जबकि हम केवल विकास के भाई कहाँ का विकास होना है। सुनील वर्मा जी आप आइए, गरीब कहाँ का विकास होना है, कहाँ का क्या होनी है, वो हमको थोड़ा पता लग गया है कमेटी में। लेकिन उनको ये डर हुआ कि भाई संघ वाले हैं, ना कोई गपलप करेंगे ना करने देंगे। ईमानदारी से डर लग रहा है, साफ तौर पर आपको बता दें कि जनकपुरी आवास विकास कॉलोनी में सजने जा रही है इस बार, और यहाँ के सभी लोगों में कहीं ना कहीं जो विकास पहले 2009 में भी बता रहे हैं कि 2009 में पहले सजी थी, पहले विकास के नाम पर सिर्फ यहाँ पे एक पलीता लगाया गया था और किसी भी तरह का विकास नहीं है। यहाँ के सभी स्थानीय लोग यही कह रहे हैं, और खास करके कैलाश मंडल भाजपा के लोगों का भी यहाँ पर एक अनदेखी की गई है, और यहाँ जो आरएसएस के लोग हैं, खासकर खाटी आरएसएस के माने जाते हैं, काफी लंबे वक्त से वो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, उनकी अनदेखी की जा रही है। कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक दर्द है, वेदना है, क्योंकि सीधे तौर पर इनका ये कहना है कि आरएसएस का व्यक्ति ईमानदारी से चलेगा, और उनसे अगर पदाधिकारी बनाने के लिए आप 50,000 रुपये मांग रहे हैं या 20,000 रुपये मांग रहे हैं या 1 लाख रुपया मांग रहे हैं, तो वो कहाँ से लाएगा? बहरहाल देखने वाली बात जो होगी कि आगे जो पैसा आने वाला है शासन से, यहाँ विकास किस तरह का होता है और इन लोगों की परेशानियाँ किस तरीके से दूर हो पाती हैं। कैमरे के पीछे मुकेश ठाकुर, मैं करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।